दिन 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 की की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम।, राम, 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 राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की किसी भी अनुभूति के लिए किसी भी अनुभूति के लिए सुख दुख हानि लाभ भय चिंता मृत्यु चेतनता की आवश्यकता है बिना चेतनता के कोई अनुभव नहीं हो सकता इसीलिए मकान की मृत्यु मकान को कभी मालूम नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है जड़ में जड़ वस्तुओं में क्रिया हो सकती है घटनाएं घट सकती हैं, पर अनुभूति नहीं हो सकती मुर्दे को जलाते हैं तो जलने की क्रिया तो वहां हुई लेकिन उस जलने का दुख या अनुभव उसके भीतर नहीं है इसी के लिए कई ग्रंथों ने कहा सेंद्रियम चेतनम द्रिव्यम निरिंद्रियम अचेतनम सेन्द्रिय इंद्रिय सहित स इंद्रिय मिला दिया स इंद्रिय सेंद्रिय तो इंद्रिय सहित आत्मा चेतन मालूम पड़ती है अनर इंद्रियम अचेतनम या वह वस्तु जिसमें मन और इंद्रियां हैं वह चेतन लगता है जितनी देर या जिसमें मन और इंद्रियां नहीं हैं वह जड़ लगता है सुषुप्ति में मृत्यु में जड़ता मालूम पड़ती मुर्दा भी फूलता है लेकिन वहां कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है आत्मा के रहते आत्मा के रहते भी दुख नहीं होते क्यों क्योंकि दुख सुख मन के धर्म है। जगत का ज्ञान जगत का ज्ञान मन बुद्धि इंद्रियों का धर्म है जगत का ज्ञान भी बुद्धि से हुआ और जगत का ज्ञान न रहना ये भी बुद्धि का धर्म है आत्मा का धर्म होता तो सदा रहता जिसका जो धर्म है वो सदा रहता है जब तक वस्तु रहेगी इसीलिए ये भी एक कहावत है जा का जौन स्वभाव जिसका जौन स्वभाव जाए ना जीते जीते माने रहते उसकी एग्जिस्टेंस उसका अस्तित्व रहते उसका स्वभाव नहीं जाएगा जिसका जौन स्वभाव जाए ना जीते नीम न मीठी होए खाए गुड़ घी से गुड़ और घी से भी खाओ तो नीम मीठी नहीं होएगी तो आत्मा का धर्म आत्मा के रहते जाएगा नहीं तो ये जो जगत की प्रतीति होती है इस जगत को जो आप देख रहे हो इस समय जागृत में स्वप्न में यह जगत तुमको दिखाई यह नहीं दिखाई देता दिखाई देता है स्वप्न का तो क्या हो गया मन यहां ना रहा आपकी बुद्धि इस थूल के साथ नहीं है आत्मा तो कहीं गई नहीं स्वप्न में आत्मा नहीं होती ना होती है तो स्वप्न में आत्मा है जगत की प्रतीति नहीं है स्वप्न की है सुषुप्ति में स्वप्न की भी नहीं है जागृत की भी नहीं है दोनों जगत नहीं मालूम पड़ते तो सुसुप्ति में आत्मा निकल गई ना जब सत्य का विचार करेंगे तब ना हम वैष्णव हैं ना हम सन्यासी हैं ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं जब सत्य को सोचना होगा तो ये नहीं कि मुसलमान का धर्म ये है हिंदू का धर्म ये है मुसलमान तो स्वप्न जागृत में देखता है हिंदू सोने में भी जगत देखता है ऐसा कोई प्रकृति की ओर से हिंदू मुसलमान के साथ भेद नहीं है हिंदू मुसलमान का भेद है व्यवहारिक मान्यताओं में हम ऐसे पूजा करते हैं हम साकारोपासक हैं हम मूर्ति पूजक हैं हम आर्य समाजी हैं हम भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते या भगवान मूर्ति वाला है ऐसा नहीं मानते भगवान जन्म लेता है नहीं मानते ये आर्य समाज का आर्य समाज अलग सनातन धर्म ही अलग पर प्रकृति के नियम सब पर एक जैसे ऐसा भी नहीं है कि हम स्वामी परमानंद जी को बहुत मानते हैं हमारा तो विश्वास है इसलिए उनके शरीर में वो नियम लागू नहीं है जो सबके शरीरों पर तो आपकी श्रद्धा से मेरे शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा अच्छा मेरे आशीर्वाद से आपका नहीं आएगा अच्छा लो हम तो कलयुग के महात्मा हैं सतयुग वाले आशीर्वाद दे देते तो बुढ़ापा ना था अच्छा चलो हम तो संसारी हैं इसलिए बूढ़े हो जाएंगे और शरीर नष्ट होगा पर जो योगी हैं जो बड़े बड़े जिनको आप लोग मानते हैं जिनके मंदिर बनाते हैं क्योंकि अब मंदिर बनाने में अब पुराना वाला रिवाज लागू नहीं है अब नए नए भगवानों के मंदिर बनने लगे मैं नाम नहीं लेता मैं तुम्हारी आस्था को चोट नहीं पहुंचाता भारत में तो रोज एक भगवान बनता है नए मंदिर बनते कई ने पुराने भगवान रिजेक्ट कर दिए नए चल पड़े उनके मंदिर बनने लगे कई कहते हम पुराणों को भी रखते नए भी बढ़ाते जा रहे हैं कई कहते नहीं हम तो पुराने भर मानते हैं नए को भगवान मानते ही नहीं है।, है अलग अलग है पर हम सबको भगवान मानने को तैयार हैं और एक के सिवा किसी को भगवान मानने को तैयार नहीं है या तो हम सबको मान लेंगे वो एक दृष्टि है पुराने भी नए भी और जो अभी भगवान नहीं कहलाते उनको भी अपन मानने को तैयार हैं कि इस बिचारे को नहीं पता पर है तो ये भी भगवान है या तो इतना हम उदार हैं या इतने हम कंजूस और कट्टर हैं कि एक के सिवा जो भी हुआ है सब नाशवान है कोई रहने वाला नहीं और जो रहने वाला नहीं वो भगवान नहीं देखो ध्यान रखना कसौटी रखना जो न रहे वो भगवान नहीं हो सकता जो नहीं रहता वो सत्य भी नहीं है और भगवान भी नहीं है तो जो दीग से सो सकल विनाशी जो नीचे बैठे हैं ये नहीं रहेंगे ऊपर वाले रहेंगे अब ये तुम तो कुछ तुम तो श्रद्धावानों, श्रद्धावानों का हिसाब अलग है बेईमानों का भी श्रद्धावानों का श्रद्धावानों का की भी बेईमानी है पर वो है आस्था की तरफ अश्रद्धावान भी बड़े बेईमान होते हैं नास्तिक वो भी बेईमान है वो किसी की विशेषता मानने को तैयार नहीं नास्तिक किसी की विशेषता मानने को तैयार नहीं और आस्तिक इतने विश्वासी हैं कि मर रहा है पर उसे भी भगवान माने जा रहे हैं उनमें भी विकार देख रहे हैं पर कहते हैं नहीं ये तो लीला है इनमें भी नहीं ये तो मरना लीला है ऐसी ऊंची दृष्टि विश्वास है हम तो मध्यम मार्गी हैं बीच के हैं हम ना तो विरोध करते हैं किसी के भगवान होने का क्योंकि भगवान होने की दृष्टि ही अलग है एक तरफ विष्णु भगवान है एक तरफ शंकर भगवान है एक तरफ आ, बहुत भगवान है और एक तरफ लिखने वालों का कमाल देखो वो कहते हैं उपजही जासु अंशते नाना गोस्वामी जी से हम सौ प्रतिशत इस चौपाई से सहमत होते यदि इशारा केवल राम की तरफ ना करते जब राम की तरफ इशारा करते हैं तो लगता है पक्षपात करते हैं। क्या करते हैं उपजे ही जासु अंशते नाना शंभु बिरं विष्णु भगवान जिससे ब्रह्मा विष्णु भी उपजते है ये बात सौ प्रतिशत सच है परमात्मा कौन बोलो जिससे ब्रह्मा विष्णु उपजते हैं और एक दो बार नहीं कितने बार उपज चुके हैं और खत्म हो चुके हैं जिससे उपजे और जिसमें रह के खो गए जो अभी तक नहीं खोया वो है परमात्मा ये बहुत अच्छा है पर नाम पूछो कौन है कह वो राम है और यदि कोई विष्णु पुराण उठाएगा या कोई और तो कहेंगे जिससे राम उपजते जिससे कृष्ण उपजते जो स्वयं कभी नहीं उपजता वह परमात्मा परिभाषा ठीक है पर जब हम संप्रदाय में जाते हैं तो किसी एक तरफ झुक जाते हैं गोस्वामी जी को तो कृष्ण ही बर्दाश्त नहीं कहा छवि आज की भले बने हो नाथ पर तुलसी मस्तक तब नवे। जब धनुष बाण ले हाथ धनुष बाण नहीं तो तुम मेरे भगवान नहीं पे जानता हूं कि हो तो वही पर ये, ये गोपियों के साथ नचना झूठ बोलना ये दम्ब दुम चला की मुझे नहीं इसलिए मुझे तो सीधे साधे नियम पे चलने वाले हाँ अनुशासन पे रहने वाले समाज को दिशा देने वाले मेरे को तो इस रूप में ही प्यारे लगोगे वो ये तो जानते हैं कि है ये वही देखो यही बात शायद राम को आगे लाना है इसलिए वो जानते हैं कि सब उपजे हैं राम भी उपजे हैं पर राम को उस रूप में लाना चाहते हैं कि राम अकेले नहीं उपजे बाकी सब उपजे विष्णु वाले कहेंगे विष्णु नहीं उपजे और सब उपजे गुरु भगत कहेंगे ना कि गुरु नहीं उपजे गुरु कभी पैदा ही नहीं होते वो काल अवच्छेद से रहित हैं वो किसी समय नहीं पहले भी थे आज भी हैं गुरु आगे भी रहेंगे गुरु माने स्वामी परमानंद भगवान माने कोई आदमी राम पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेंगे राम कभी नहीं मरेंगे राम जब किसी रूप में आए उस रूप में नहीं रहे उस रूप में रूप किसी का परमानेंट नहीं है अरूप परमानेंट रूप नाशवान अरूप अविनाशी तुम्हारा भी रूप नाशी अरूप अविनाशी तुम्हारे गुण जाते आते हैं तुम गुणातीत तो हो तुम आप तो गुणातीत तो नहीं हो भगवान कृष्ण ने गीता में गुणातीत तो होने पर जोर दिया और ज्ञानी गुणातीत तो हो जाता है गुणातीता सब उच्चते उन्हीं आदमियों में जो ऐसा जानता है गुण रियोन विचाल्य थे गुणों से विचलित नहीं होता गुणों का चुनाव नहीं करता ये रहे कि ये रहे नींद रहे कि जगना रहे स्वप्न रहे कि जागृत रहे यही परमानेंट रहे ऐसा जिसका आग्रह खत्म हो गया वो गुणातीत है जिस मिट्टी को ये आग्रह नहीं कि घड़ा रहे या न रहे छोटा हो कि बड़ा हो मकान हो कि ईटा हो ये आग्रह नहीं है वो मिट्टी है यदि घड़ा है तो आग्रह रहेगा ये तो वह नहीं रहे यदि तुम आदमी हो तो बने रहने का आग्रह होगा कि बस और चाहे मर जाए सच तो ये है कि तुमसे पूरी हो ना हो कभी कभी यदि संकट आ जाए राम और तुम्हारे बीच मरने का सचमुच आग लगी हो वहीं राम हो वहीं तुम हो ना तो कहोगे मैं बच जाऊं राम तो सब झेल लेंगे उनमें तो बड़ी ताकत है वो जाए तो जाए मैं तो कम से कम आग से बचूं या मरने का होगा तो ये मर जाए पति पत्नी के बीच में चुनाव हो ना मरने का वैसे तो ये रोज प्रार्थना करती हैं कि इनके रहते मैं जाऊं मैं पहले जाऊं ऐसा कहती हैं पर यदि सांप आ जाए तो पहले अपने को बचाएंगी जाए खसम भाड़ में और बड़े चुटकुले बना रखे हैं लोगों ने पति पत्नी खूब लड़ने लगी तो पति ने कहा तू झूठ बोलती है कुछ आरोप लगा तू झूठ बोलती है तो कहती है यदि मैं झूठ बोलू हाँ यदि मैं झूठ बोलू तो मैं विधवा हो जाऊं और यदि तुम झूठ बोलो तो तुम मर जाओ यदि तुम झूठ बोलो तो तुम मर जाओ और मैं झूठ बोलू तो मैं भी दवा हो जाऊं मैंने मरो तुम्ही क्या कुशलता की भाषा है तो महाराज मरने का है तो लगेगा वो भी मरते हो तो मर जाए जिनका हम भजन करते हम बच जाए असल में एक रूप एक फॉर्म एक नाम को बचाने में लगे हैं आप यही है इसलिए हम बच जाए और परमात्मा आ, कोई नाम रूप चला जाए तो भी वो मरते वह तो विश्वरूप भी है देखो राम विश्व रूप भी है सब रूप वही है सब राम केवल राम रूप नहीं है राम सर्वरूप भी है और राम एक रूप भी नहीं चाहे कितने रूप नष्ट हो जाएं, राम नष्ट इसलिए राम अरूप भी है और यह बात तुम पर भी लागू है पर तुम एक रूप का आग्रह छोड़ नहीं पाते तुमसे पूछे कौन रूप मरे तो तुम कहोगे ये ना मरे बाकी वैसे ये ना मरे और जो इनसे ज्यादा नजदीक हैं, वो ना मरे बाकी मरे और बहुत नजदीकी में चुनाव आएगा तो फिर ये भी मरे पर ये न मरे आप अपने मन क्यों आप सब नहीं हो आप सब नहीं हो ना इसलिए वो मरे आप ये हो यदि आप सब होते तो कौन मरे मान लो सपोज यदि आप सब हो तो या तो कोई ना मरे या कोई भी मर जाए यदि एक रूप आप हो तो तो अपने को बचाओ यदि आप सर्वरूप हो तो या तो सबको बचाओ या सर्वरूप हो तो कितने रूप न रहे तब भी तुम चूंकि सर्वरूप के साथ अरूप भी हो सर्वरूप के साथ अरूप मिट्टी सब बर्तनों का रूप है और कोई बर्तन का रूप रहित भी है इसलिए मिट्टी बिना रूप की भी है ये दो बातें जब तक खोपड़ी में नहीं धंस जाएं तब तक आप दुख और नासमझी से जकड़े रहोगे आपको एक ही रूप मिटने की चिंता है ना जरा मान के चलो विश्वरूप रघुवंश मणि चौपाई तो जल्दी बोल ली बात खत्म हो गई विश्व रूप रघुवंश मणि रघुवंश में जो मणि के समान है कौन राम विश्व रूप है वो उसी को दूसरे शब्दों में कहो सर्व रूप है वो जब विश्व रूप है माने विश्व की सारे ही रूप वही है विश्व रूप इसीलिए उसको विराट भी बोलते हैं राम का विराट रूप वही है तो जब राम विश्व रूप है तो अब वो क्या सोचे तुम भी यदि सब हो और सब होने का तरीका दंड बैठक अच्छा तुम कितनी व्यायाम करो योगा अभ्यास करो कि तुम सब हो जाओ बिना ज्ञान के बिना ज्ञान के आसन करके प्राणायाम करके कर्म करके अब कर्म करके इस जन्म में तुम आदमी हो उस जन्म में देवता हो जाओ तो विश्व बिना हुए क्या हो गए देवता कोई स्त्री ने तप किया जैनियों के हिसाब से क्योंकि स्त्री चोले से मुक्ति नहीं होती इस जन्म में साध्वी बनेगी तप करेंगी फिर अगले जन्म में क्या बनेगी आदमी बनेगी मनुष्य फिर तरेंगी अच्छा अब यह बताओ यदि तुम कुछ करोगे तो कुछ भी करो तो सब बन जाओगे कुम्हार यदि बनाए कुम्हार यदि मेहनत करके बनाए तो एक रूप बनाएगा कि सर्वरूप बनाएगा थोड़ी मिट्टी लेके यदि बनाए तो सर्वरूप नहीं एक रूप बनाएगा सर्व रूप बनाना है कि एक चीज है जो सर्वरूप है कुम्हार बनाएगा तो एक रूप बनाएगा मिस्त्री बनाएगा तो एक रूप सकल बनाएगा और मिट्टी कौन सी रूप नहीं है तो वो मिट्टी को सर्वरूप बनाना पड़ेगा तो सर्वरूप होने की क्या दवा है पूजा पाठ सर्वरूप तुम मेहनत से नहीं हो सकते केवल समझ लो तो सर्वरूप राम सर्वरूप तप से नहीं है कृष्ण सर्वरूप मेहनत से नहीं है तुम भी मेहनत करोगे तो जानवर से आदमी बन जाओगे आदमी से देवता बन जाओगे देवता से और कुछ बन जाओगे यहाँ तक तुम राम भी बन जाओ तो राम रूप होगे कृष्ण रूप नहीं होगे तुम कुछ विष्णु बन जाओगे तो शिव नहीं करके हार जाओ तुम सर्व नहीं होगे सर्व होगे तो केवल ज्ञान से ही होगे और कोई मार्ग नहीं है हम चित्रकूट की पावन भूमि पे बोल रहे हैं और कान में कमरे में नहीं बता रहे खुले बता रहे जिसको नहीं जमे बात कर सकता किसी मत का सर्व रूप होने का विश्व रूप होने का मेहनत मार्ग नहीं है ज्ञान ही मार्ग है ज्ञान ही मार्ग है जब तुम बच्चा थे तब जवान नहीं थे जवान हो गए तो बच्चा नहीं रहे। बूढ़े हो गए तो जवान नहीं रहे आदमी हो गए तो औरत नहीं रहे जो औरत हैं अब इस समय आप आदमी हो मनुष्य पुरुष हो ना बोलो लो कर्म ने तुम्हें स्त्री बना दिया और तुम चाहो तो पुरुष रहते स्त्री रहते सब हो जाओ सब हो जाने का रास्ता यहाँ है कुछ होने का रास्ता और जगह है। कुछ बनो जो चाहो बन सकते हो ये नहीं कहते नहीं बन सकते जो चाहो बन सकते हो कर्म से उपासना से वासना से मेहनत से हो सकते हो जो चाहो बनो पर एक बनोगे यदि सब होना है तो मेहनत का मार्ग नहीं ज्ञान ही एक मार्ग है कि ही तो सब कुछ हो तुम ही तो सब बने हो ईश्वर बनने के लिए कोई करना नहीं है इसलिए सबसे पहले उसने अपने को ब्रह्म जाना उसने अपने को ब्रह्म जाना और सब कुछ हो गया किसी ने अपने को मिट्टी जाना और जब उसने अपने को मिट्टी जाना या मिट्टी पाया कि मैं मिट्टी हूं तो फिर क्या वो नहीं है पहाड़ कौन है पेड़ कौन है घड़ा कौन है सकोरा कौन है छोटा कौन है बड़ा कौन है ईटा कौन है मकान कौन है महल कौन है कौन है यदि तूने पाया कि मैं मिट्टी हूं तो क्या होना बाकी रह गया ताजमहल लाल किला नहीं है लाल किला बिरला मंदिर नहीं कोई भी जो हुआ है वो सीमित हुआ है यदि सब कुछ हुआ है तो श्रम से नहीं हुआ तत्व के विचार से ही हुआ है इसलिए सब कुछ हो जाने का आनंद ज्ञान से मिलेगा कर्म से तो कुछ होने का सुख मिलेगा फिर बिछुड़ने का मरने का दुख भी होगा जो तुम हो पहले जन्मों के कर्मों से जो तुम बने हो अब इसके होने का एक खुशी भी है और इसके मिटने का भय नहीं है ना है कुछ भी हो जाए यदि राम भी केवल राम है ना जरा बुरी बात है ये राम यदि केवल राम है तो नहीं रहेंगे और यदि सब कुछ है तो मिटाएगा कौन यह समझ का मार्ग गुरुओं की कृपा से पूरा होता है समझना होगा अब तुम्हारी अभी ये समझ में नहीं आता कि सब मैं हूं सुन भी रहे हो तब भी विश्वास भी करते हो मेरे तर्क से दृष्टांत से प्रभावित भी होते हो पर तुम्हें लगता है मैं सब हूं कृष्ण को लगता है देखो कृष्ण को लगता है सब में हूं सब मुझसे हुआ है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यती कृष्ण को ये दिखता है क्यों दिखता है कृष्ण एक जगह खड़े नहीं है कृष्ण के आंखें नहीं है कृष्ण के पांव नहीं है कृष्ण सब जगह दिखते हैं क्या दिखते हैं सो सब जगह नहीं सब जगह जो है वो दिखते ही नहीं कृष्ण सब जगह है ये कैसे दिखेंगे आखिर कृष्ण ही बताते हैं कि यो माम पर्ष्य सर्वत्र सर्वम च मई पश्य सबको मुझ में देखता है जो एक जगह खड़ा हो वो सब जगह हो ये देखने का तरीका एक जगह खड़ा व्यक्ति सब जगह है और सब जगह जो है वो एक जगह खड़ा भी है ये देखने का तरीका केवल हिंदू में है केवल हिंदू दुनिया के कोई मजहब ऐसा नहीं दिखा सकते कि एक जगह खड़ा व्यक्ति एक जगह नहीं है सब जगह और सब जगह रहने वाला ही इस रूप में खड़ा है कोई और नहीं है ये नजर हिंदू ने दी है यह समझ उपनिषद ने दी है यह समझ गीता ने दी है इसलिए हमें लगता है कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम गर्व से कह सकते हैं हिंदू है। लोग कहते हिंदू को भगवान का पता नहीं पत्थर पूछता है लोग कहते हिंदू को पता नहीं है पेड़ों को पूजता है लोग कहते हिंदू को भगवान का पता नहीं सांपों को कीड़े मकोड़ों को पूजता है इसे भगवान का पता नहीं और मैं कहता हूं धरती पर यदि किसी को भगवान का पता है तो आर्यों को हिंदुओं को है बाकी ने तो कल्पनाएं की हैं भगवान की हमने भगवान की कल्पना नहीं की भगवान के अस्तित्व को समझाए बुरा नहीं मानो हाँ अब बहुत हिंदू भी नहीं समझ पा रहे हिंदू की महिमा को हिंदू की संस्कृति को हिंदू धर्म को हिंदू की सोच को कई हिंदुओं को ही पता नहीं विशेष करके तो राजनीति के दलदल में पड़े नेताओं ने तो ही गर्क कर रखा काल्पनिक भगवानों के पीछे पड़े लोग उनको तो महान कहते जिन्हें कोई अतापता भगवान का नहीं ये केवल हिंदू की सोच है कि भगवान निराकार भी है साकार भी है भगवान कभी नहीं आता और वही आता है और कोई यही नहीं आएगा कौन रोशनी सूर्य के सिवा और किसकी है सच तो यह है सच तो यह है कि सूर्य नहीं होता तो तुम्हारे घर का भी चूल्हा नहीं जलता आग तो एक ही रोशनी तो एक ही है चाहे बल्ब में जल रही चाहे चूल्हे पर उसके सिवा आग ही कहीं नहीं इसलिए आग का जो गोला है तुम्हारे शरीरों में भी गर्मी उसी की है इसीलिए सोह मश्मी सूर्य दूर रहते हुए भी यहां है प्रकट अप्रकट सर्व रूप में वही है हमारे शरीरों में भी आग हाँ उसी की है हमारे घर का दिया भी जलता है और तो छोड़ो बरसात में तुम्हारी माचिस भी नहीं जले जरा सा नमी हो जाए और यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो माचिस घिसते रहो बल्कि घिसने के पहले तुम ही चले जाओगे ये जिंदा ही है उसके कारण इसलिए हम उस पर ब्रह्म की चर्चा करते हैं जो सब है सर्वत्र है और फिर भी चर्चा का ढंग कि वो मरता नहीं वो जन्मता नहीं वह व्यक्ति होता हुआ व्यक्ति नहीं ये जो सोचने का तरीका है तुम भी जरा ध्यान से सुनो कई लोग कहेंगे पैदा होकर भगवान मर जाते हैं, नहीं पैदा होते दिखते हैं, मरते दिखते हैं कभी पैदा होते ही नहीं कभी मरते ही नहीं अनेक होके दिखते हैं के त्यों रहते हैं। ये भी नहीं है कई लोगों को डर है यदि पैदा होगा तो मर जाएगा आया है तो जाएगा एक ही पर ब्रह्म परमात्मा सर्व रूप में है और अरूप भी है ये सोचने का ढंग है भारत का हिंदू का वैदिकों का वैदिकों का वैदिक गीता गीताई लोगों का गीता के अनुयायियों का भगवान व्यक्ति रूप में भी खड़ा है नैर्व्यक्तिक भी है सगुण भी है निर्गुण भी है साकार भी है निराकार भी है सर्व भी है सर्वरहित भी है सर्वरहित सब उर्पूर्भा ये कोई एक जगह नहीं लिखा या आज मैं कह रहा हूँ तो ये आज की बात नहीं है कि कलयुग में स्वामी परमानंद पैदा हुए तो नया पंथ बना लिया गोस्वामी जी की चौपाई ये हम पे लागू नहीं है क्या कि अपनी बुद्धि से बहुत पंथ कल्पित कर लिए कलयुग में ऐसे लोग होंगे कि अपनी मती से नए नए पंथ बनाएंगे हम तो नए नए पंथों के विरोधी हैं हमने तो जो सनातन से पंथ आया है वही एक पंथ है बाकी तो कुपंथ है चल ही कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े कलयुग में लोग रोज मत बनाएंगे रोज भगवान बनाएंगे काल्पनिक कर तुम भगवान हम लोग तो बनाना ही नहीं है हम तो कहते हैं ही है भगवान एक था वही सब रूपों में है ये भगवान ही है सिया राम मैं तब हम क्या बनाए तुमको कोई एक बाबा को भगवान बनाना पड़ रहा है अरे हमारे तो पहले कहते सिया राम मैं सब जगह जाने करो हम प्रणाम ये समझ नहीं आवे थोड़े दिन प्रसिद्ध हो गया थोड़ा कुछ बेकूफ लग गए तो नए भगवान आ गए नए मंदिर बनने लग गए उसके बाबा के मंदिर उसकी दाई के मंदिर एक ही परमात्मा है उसी के सब मंदिर है वही सब मंदिरों में बैठा है उन मंदिरों में तो बैठा ही है इन मंदिरों में भी वही बैठा है पर देख सको तो देखो हा और जैसे प्रारंभ में वहां मंदिर में जाके दर्शन का सुख मिले ऐसे ही यहाँ पर भी जब देखो ना चलते फिरते मंदिर एक स्थाई है ना, हमारे यहाँ जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है तो दो तरह के ही भगवान की प्रतिष्ठा होती है एक चल जो जन्माष्टमी को लेके गांव-गांव घूम सकते हैं शोभा यात्राओं में निकल सकते हैं ये चल हैं और एक अचल है जो वहां से फिर हिलते तो हमारे मंदिर अचल और ये चल भगवान है हाँ तो आप तो नहीं हो ये चल प्रतिष्ठा चरम चरमे वचन अचरम चरमे वचन वो अचर और चर चलते और अचल आ सब वही है सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद नहीं कोई कई लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि बड़ा झीना विषय है आज अब ये सुन के जाओगे कल तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा कि ये ऐसा व्यवहार करता है इसको हम भगवान कैसे माने तो कई बार रूप और अरूप रूप उनका रूप उनका कुछ समय वाला भगवान का रूप है और अरूप उनका सदा भगवान का रूप है इसलिए रूप वाले को अब सकोरे रूप को कई बार तुम चाहते हो ये घड़ा का काम करे घड़े को तुम समझते हो ये मकान की तरह मेहमानों को रखने के काम आवे यदि ऐसी समता, ऐसी सोच होती तो हम महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी को कहते कि छतों पे घड़े रख दो सबको उन्हीं पे ठहरा देते हैं आखिर वो भी मिट्टी के ही बने हैं ये कमरों की समस्या हल हो जाए एक एक घड़ा कह दो तुम इस पे रहो तुम उस पे रहो सबको स्वतंत्र कमरा मिल जाता तो हम ये भी जानते हैं कि घड़ा का रूप घड़े का गुण पानी भरने के लिए है बस और जो स्वरूप है वो सब में स्वरूप सब में है रूप एक काम के लिए स्त्री का रूप बच्चे को जन्म देने के लिए पेट में रखने के लिए स्त्री का रूप पुरुष का नहीं रूप के अपने गुण स्वभाव हैं और स्वरूप सबको सत्ता देता है स्वरूप से सबको सत्ता मिलती है उस सत्य को जानने के लिए चिंतन करना पड़ेगा आपकी समझ तर्क से प्रभावित होगी फिर भी प्रश्न खड़े हो गुरुदेव की कृपा से सदग्रंथों की कृपा से हिंदू संस्कृति की हा इस देश की महानता से अपने सब प्रश्न समाप्त हो गए हा कोई संशय नहीं है कोई विपरीय लोगों को तो संशय संशय सर्प से मोहिता यह संशय का सांप सबको काट रहा है आगे क्या होगा हम क्या हैं आदमी हैं कि क्या हैं जन्म होता मरते नरक स्वर्ग क्या है लगे पड़े कथा सुन के भी संशय नहीं मिटे जबकि राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हरि जो तुम्हारी जिंदगी को चल रहा है काल संशय चिंताएं ये सब बिह जाते हैं राम की कथा से राम की कथा सुंदर कर तारी ये हाथ की ताली है लोग अपने खेत की चिड़िया उड़ाते उड़ा देते हैं ये राम की कथा से जिंदगी के खेत को चुनने वाली चिड़िया काम क्रोध और समय काल जो जिंदगी को सताता है ये सब संशय भ्रम समुदाय उड़ जाते सतगुरु मिले ते जाए जीमी। अब देखो सतगुरु मिले ते जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय समुदाय एक आद नहीं संशय भ्रम समुदाय चले जाते हैं सतगुरु के मिलने से पर सतगुरु की सुने तो सतगुरु की समझ है तब सतगुरु होवे पहली बात न हो गुरु ना होवे गुरु होवे और दूसरा शिष्य होवे गुरुदेव कहते थे श्रोता होवे गए ना होवे एक सरौता होता है ना एक श्रोता एक सुनता होवे अंदर जाती जाए बात एक सरौता होता है कतरता है एक चूहा होता है एक दर्जी होता है तो कई कहते तो ठीक है पर पर ये सरवता बैठे बैठे बात को घंटों कथा करो आ कहते तो है पर बस पर लगाया कि कथा उड़ गई उन्होंने इतनी देर कथा सुनाई संशय भी अग उड़ाने के लिए और तुमने पर लगा दिया वो चिड़िया उड़ गई संशय उड़े चाहे नहीं कथई उड़ गई तो आप भाग्यशाली हो यह देवी आ, दुर्गा माता नवरात्रे, इस पावन पवित्र त्योहार पर शक्ति माता देवी माता उनके बहुत रूप हैं और इन दिनों तो आ, ये नौ दिन कम खाने के उपवास के ऋतु परिवर्तन के स्वास्थ्य बनाने के हाँ इन दिनों स्वास्थ्य को बड़ा खतरा रहता है ये कुआर के दो पाख ये जो कुआर है ना इसके दो पाक किसी तरह जीराख किसी तरह बच नहीं ये मरने वाले दिन होते हैं। किसी तरह तू अपनी स्वास्थ्य और शरीर को बचा खतरनाक होता है तो इन दिनों पर भगवत चिंतन देवी का चिंतन देवी का स्वरूप देवी ने अनेक रूप धारण किए और ये देवी भगवत स्वरूपा है चित्त रूपा है ब्रह्म रूपा है ब्रह्म की अनाद्य निर्वचनीय आल्लादनीय शक्ति है और देवी के कितने क्षुधा हाँ यदि एक ही देवी तुम्हारा साथ छोड़ जाए हाँ देवी क्षुधा है शांति है शक्ति है ये वैसे तुम पहाड़ उठाते हो उसी को ताकत समझते हो चलने की बोलने की खांसने की जब बहुत कमजोर हो जाए ना जब आदमी को टीवी बहुत कमजोर हो जाए उनका जरा खांस <coughs> खांसते नहीं बने खांसने को भी ताकत चाहिए वो <coughs> जब कहते हैं ना अब हंसो हास। कैसे हंसने को भी तो ताकत चाहिए बिना ताकत के ना कोई हंस सके ना खांस सके। खांसने को जोर से हाँ आदमियों वाली खांसी जोर से तो वो कहते हैं ना खूब जोर से खांसो और फिर और एक बात अंत में बड़ी मजेदार कहते हैं जो खांसने से अमृत रस है अमृत रस उसको कहते निगल जाओ उस समय अजीब लगता है कि अमृत रस हा पता नहीं सचमुच इसका निगलने का लाभ होगा हा मुझे सही पता नहीं है या तो कि तुम निगलोगे नहीं कहाँ सोगे तो पंडाल ही न रहेगा योगासन लायक इसलिए निगल ही जाओ वही ठीक है कई लोग हैं तो सड़कें खराब कर देते तो और दूसरा ये भी है कि कभी कभी कई तत्व तो जो निकलते हैं वो गुणकारी भी होते होंगे जब इतने प्यार से आसन किए और हंसे और फिर जोर से खांसे उससे कुछ होता होगा क्योंकि वो तो प्रयोग का है आजकल वो जांच होने लगी है कि प्राणायाम किया फिर जांचो क्या हुआ आजकल तो जांच है फिर वो निगलो और या उसकी जांच करो वो जो खांसने में आया उसमें कौन गुण बढ़ जाता है कोई गुण बढ़ता होगा जो शरीर को शायद हितकर होगा मैं नहीं जानता मैं तो तटस्थ होके चर्चा करता हूं कई लोग तो ये अपना पीते हैं ना हाँ बहुत उस समय मोरार जी के समय पर इसकी चर्चा चली थी हाँ इसमें भी अपने ही खाए हुए में जो निकलता है उसमें पता नहीं क्या उसको कई लोगों ने जीवन जल कहा है ये नदियों का जल इसका जल जीवन से निकला जल अपने शरीर से पैदा हुआ नस नाड़ियों से गुजरा क्योंकि वही मिट्टी पानी जब पेड़ से गुजरता है बीज से गुजरता है तो उसका गुण उसकी सुगंध बदल जाती और वही महुआ वही पत्तियां वही चीजें सड़ा कर और उबाल कर भाफ द्वारा लाते हैं कितना तेज हो जाती उतने महुआ खा जाओ और उसका उबाल करके पियो दोनों में कितना फर्क हो जाता है तो शरीर के अंदर ये केमिकल चेंज होते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है योगासनों से प्राणायाम से और उसके कितने गुण ये आनंद क्या है आनंद भी जो प्राप्त होता है वो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है अवैज्ञानिक नहीं है वो कल्पना नहीं है इसलिए योगाभ्यास करते करते बहुत तरह के लाभ प्राप्त होते हैं अब आप आंख बंद करें आज एक सरल प्रयोग कल से थोड़ा दूसरे अभी आप आंख बंद करिए और लंबी श्वास भरिए लंबी और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए धीरे धीरे छोड़िए और देर तक लंबी श्वास लीजिए लॉन्ग इन लंबी श्वास लीजिए लॉन्ग एक्सेल धीरे धीरे छोड़ दीजिए फिर लंबी लीजिए फिर छोड़िए ध्यान भीतर रखिए फिर लंबी लीजिए फिर लंबी छोड़िए फिर लंबी लीजिए फिर लंबी छोड़िए बहुत अच्छे फिर लंबी लीजिए लंबी छोड़िए बहुत अच्छे लंबी लीजिए लंबी छोड़िए धीरे धीरे लीजिए धीरे धीरे छोड़िए और अब हर तीन से पांच बार तक बिना किसी को बताए और बहुत गिनती की जरूरत नहीं है लंबी श्वास लीजिए छोड़िए और तीन चार पाँच बार के बाद अपने आप लेकर रुक जाइए जितनी देर आराम से रुक सकें प्रसन्नता से अच्छा लगे रोके रहिए फिर छोड़ दीजिए फिर पाँच चार बार लंबी लीजिए लंबी छोड़िए लंबी लीजिए लंबी छोड़िए हर चार पाँच बार के बाद लेकर रुक जाइए धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास लीजिए बड़े प्यार से लीजिए जैसे भोजन बड़े प्रेम से भक्ति पूर्वक प्रसाद की तरह चबा चबा के खाना चाहिए इसी तरह से श्वास भी प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति पूर्वक प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए श्वास लेना चाहिए छोड़ना चाहिए भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए कैसी प्रक्रिया बनाई है चलती रहती है श्वास लीजिए श्वास छोड़िए श्वास लीजिए श्वास छोड़िए और कुछ देर के बाद रुकिए। एक बार रुकिए, जितना रुक सकिए, रुके रहिए रुके रहिए रुके रहिए आनंद से शांति से प्रसन्नता से एकाग्र हो के एकदम रुकिए, सब कुछ ठहर जाए तन भी मन भी श्वास भी एकदम रुक जाए बहुत अच्छे और फिर लेते रहिए छोड़ते रहिए विधि है चार पांच बार लंबी श्वास लेना छोड़ना फिर एकदम रुक जाना रुकने का अभ्यास दो तरह से कर सकते हैं छोड़ के भी कर सकते हैं भर के भी कर सकते हैं श्वास निकाल कर रुकना बाह्य कुंभक अंदर लेके रुकना अंतर कुंभक थोड़ी देर श्वास का लेना छोड़ना बंद करना और बिल्कुल शांत रहना भीतर क्या होता है क्या दिखता है कैसा लगता है अनुभव करना जबरदस्ती नहीं करना प्रेम से आनंद से कभी कभी रोकते रोकते आनंद प्रकट हो जाता है फिर श्वास लेते रहें छोड़ते रहें लेते रहें छोड़ते रहें बहुत अच्छे केवल श्वास के माध्यम से दसियों तरह के ध्यान है केवल श्वास से श्वास के नियम बदलो और ध्यान की एक विधि हो गई ये एक विधि है श्वास लेना छोड़ना लंबी लेना लंबी छोड़ना धीरे धीरे लेना धीरे धीरे छोड़ना और छोड़कर या भरकर अंदर लेकर या बाहर निकाल कर रुक जाना बाहर निकालकर अंदर एक बैक्यूम पैदा होता है सारे शरीर की श्वास ना भी परिकट्ठी होती है सारे शरीर का प्राण पेट की तरफ आता है वैक्यूम बनता है खाली जगह को प्राण भरता है जब श्वास निकल गई सारे शरीर की श्वास पेट पर इकट्ठी होगी उससे कुंडलनी जागरण प्राणों का उत्थान और अपान और प्राण का योग होता है दूसरा है अंदर भर के रोकना जब अंदर श्वास भर के रुकते हैं तो शरीर की श्वास जिन जगहों पर नहीं पहुंचती वहाँ भी पहुंचती है। रुके समय पर खाली जगहों में प्रेशर पड़ता है तो शरीर की नस नाड़ियाँ जो अवरुद्ध होती हैं वो खुल जाती हैं शरीर की उंगलियों की बाल से भी पतली नस नाड़ियाँ खुलनी शुरू हो जाती हैं इसलिए रोकना एक लाभ है बाहर एक है भीतर भर के रोकना या निकाल कर दोनों के अलग अलग तरह के लाभ हैं जो तुमको अच्छा लगे एक करो चाहे अंदर वाला चाहे बाहर वाला भीतर भर के या निकाल के बहुत अच्छे एक दो श्वासें कम ज़्यादा भी कर सकते हो लीजिए छोड़िए रुकिए लीजिए छोड़िए लीजिए छोड़िए लीजिए छोड़िए रुकिए छोड़ कर रुकिए या लेके रुकी पूरक करके रुकिए या रेचक करके रुकिए बहुत अच्छे अंतर के आनंद को जगाइए कभी कभी श्वास रुकते में ही आनंद प्रकट होता है चमत्कार घट जाते हैं पर सीमा से ज्यादा नहीं रोकना है सीमा के रहते ही छोड़ना है या सीमा के रहते ही लेना शुरू कर दें या छोड़ना शुरू कर दें बहुत अच्छे ये एक ध्यान की विधि है इसके द्वारा शरीर हल्का पड़ जाता है नींद चली जाती है सोई हुई नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं और आनंद प्रकट हो जाता है कभी प्रकाश कभी नाद कभी कुंडलनी अनेक तरह के चमत्कार घटने लगते हैं शरीर हल्का होकर जैसे उठता है लंबा हो रहा है शरीर फैलता है या शिकुड़ता है या वजनी होता है अनेक तरह के अनुभव होने लगते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब इसी स्थिति में रहकर दो मिनट के लिए कोई भी क्रिया नहीं सहज जाग रहे हो सब नियम छोड़ दिए सिर्फ चेतन हो जो हो रहा है ना श्वास में खींच रहा हूँ न रोक रहा हूँ न लंबी कर रहा हूँ न ध्यान लगा सिर्फ चैतन्य हूँ जो होता है होने दूंगा कोई रुकावट नहीं शरीर फैल जाए लंबा हो जाए सिकुड़ जाए भारी हो जाए उड़ जाए गायब हो जाए नस नाड़ियों में सुख हो ना हो मन कहाँ है करना कुछ नहीं सिर्फ जानना है जैसे सी सिर्फ देखता रहता है देखता रहता है चुपचाप ऐसे ही आज अपने अंदर बाहर की सब गतिविधियां जानते रहो शांति के साथ और जो हो जाए हो जाने दो शरीर उड़ जाए उड़ जाने दो लंबा हो जाए लंबा होने दो हाथी की तरह फूल जाए फूल जाने दो सिकुड़ जाए सिकुड़ जाने दो वजनी हो जाए धंस जाने दो हल्का हो जाए उड़ जाने दो और कुछ क्रिया होती हो हो जाने दो मन में जो उठता है उठने दो निर्जरा हो जाने दो शांत रहो प्रसन्नता से पहले बार सब कुछ राग द्वेष रहित होकर सहज जो होता है होने दो तुम दृष्टा रहो तुम चेतन रहो तुम होश में रहो किसी से घबराओ मत ये ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया ये क्या होने लगा क्यों होने लगा बस होने लगा होने लगा बहुत अच्छे एक मिनट के बाद ध्यान का कार्यक्रम पूरा बहुत अच्छे अचानक हड़बड़ा के नहीं छोड़ना जैसे आराम से निर्णय करना है कि अब हम छोड़ेंगे अब हम हाथ हटाएंगे या आँख खोलेंगे या पैर बदलेंगे क्या ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे धीरे धीरे एक एक काम जैसे सोए आदमी को अचानक नहीं जगाना चाहिए अचानक जगाने से कई बार चौंक जाते हैं इसी तरह से अचानक ध्यान झटके से नहीं आराम से सोचो कि अब छोड़ना है अंदर से तैयार हो हाथों को कहो अब वो अपनी जगह बदल सकते हैं पैर चेंज कर सकते हैं फिर आंखों को कहो अब खुल सकती हैं मन को कहो अब तुम फ्री हो गए ऐसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए बहुत अच्छे छोड़ दीजिए अभी का कार्यक्रम पूरा हो गया शाम की सभा आपने सुनाई है चार बजे और इस बीच में जलपान करना भोजन लेना चिपक वो पैसवनी का स्नान करना तीर्थ यात्रा करना दर्शन आप स्वतंत्र हैं ओम शांति